Hello my dear students, welcome to social studies class. Again I am here to discuss the temperate grassland prairies. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था चैप्टर 6 का. दो क्वेश्चन आंसर लेफ्ट था, वो हमने डिस्कस किया था. और इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड. ओके, सो द grassland आर द मोस्टली लोकेटेड इन द कूल टेम्परेट जोन. कूल टेम्परेट जोन द प्रेरीज आर वास्ट grassland विद अ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज. मतलब यहाँ पे grassland ज़्यादा है, ट्रीज कम है. ओवर माइल्स ऑफ प्लेन्स देयर आर इन मिडल ऑफ द कंटिनेंट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर. दे आर इन द मिडल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मिडल में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न पार्ट में है सदर्न हेमिस्फीयर में. प्रेरीज इज अ फ्रेंच वर्ड मीन्स ग्रैंड लैंड. दिस ये इस वर्ड का फ्रेंच में मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रास लैंड. दीज ग्रास लैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का है ये. दे वेयर वंस कवर्ड विथ थिक एंड टॉल ग्रासेस. टूडे इट इज़ द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन इन द वर्ल्ड. और ये सबसे बड़ा फार्मिंग रीजन है पूरे वर्ल्ड में. The important place in the prairies are Chicago, Dallas, Texas, New Mexico, Illinois, Colorado, Oklahoma, Minneapolis in the USA and Regina in Canada. These are the important place of prairies. Remember these all important places in prairies, and it is the biggest farming region in the world. Prairies does not destroy, fire does not destroy prairies grass because they grow from the stem up rather than the tip of the blade. जो prairies के grass land है उसको आग भी नुकसान नहीं करती है, ठीक है. Next is about the climate. Since prairies lies in the different zone, they have an extreme type of climate. Kaisa climate hai? Extreme type of climate. In this we have read the prairies are in dash zone, so prairies are in temperate zone. So the climate is cool. The climate is cool temperature. It is hot in summer and cold in winter. कैसा है समर के समय में hot, hot in summer, underline this important words, and cold in winters. Snowfall in winters, rainfall in spring and summer. Sometimes there are occasional winter showers. Summer is not very hot. Hot winds called chinook blow in this सीजन. ये जो हॉट विंड्स चलती है उसको चीनूक बोलते हैं जो यहाँ पर चलती है. ब्लो द स्प्रिंग सीजन ग्रासेस हैव क्विकली ड्यूरिंग ग्रो क्विकली. जो यहाँ की ग्रासेस है बहुत जल्दी ग्रो करती हैं ड्यूरिंग दिस सीजन एंड चेंज द हे इन ऑटम. और ऑटम के समय में चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट जो है वेजिटेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. आप लोग प्रेरीज ग्रासलैंड के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, इसका क्लाइमेट कैसा है, समर में कैसा होता है, और जो हॉट विंड्स है उसको क्या बोलते हैं. एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग रीड इट प्रॉपरली एंड कंप्लीट द नोट्स आल्सो. ओके, जो अपने नोट्स हैं उसको कंप्लीट भी करिएगा. और ये चीज़ को जैसे इस तरह से है, फ्रेंच इज़ द वर्ड विच मीन्स ग्रासलैंड, ये सब अंडरलाइन करके ये रखिएगा अपनी बुक में ताकि आप लोग जब कभी बुक रीड करें तो ये इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं ये आपको आसानी से आपके बुक किताब में मिल जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर दैट यू ऑल हैव टू रीड द क्वेश्चन बुक एंड यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर. आप लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उसको मुझे भेजा भी करिए, ठीक है. आज के लिए इतना ही.